हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर फिक्सिट के केमिकल के बारे में। तो ये जो तीन केमिकल है, ज़्यादातर जो है इनका इस्तेमाल बहुत तरीके से किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन तीनों केमिकल के यूज़ करने का तरीका, इन्हें आपको कैसे यूज़ करना है और कहाँ पर इन्हें आपको यूज़ करना है, इस पूरी जानकारी को इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो में जो सबसे पहला केमिकल आता है जो ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, चाहे आप सीमेंट बेस का कोई भी काम करवा रहे हो, इस केमिकल का आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ये तो सबसे पहला जो केमिकल है वो है डॉक्टर फिक्सिट का 101 LW+। देखिए, ये जो केमिकल है ये बहुत प्रकार से यूज़ किया जाता है। अगर आप कंक्रीट का माल बनवाते हैं, चाहे रेती सीमेंट का मोर्टार बनवाते हैं, चाहे फ्लोरिंग का काम करवाते हो, कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हो, छत की ढलाई करवाते हो, बेसमेंट का काम करवाते हो, ये केमिकल आपको हर जगह यूज़ करना है। देखिए, इन केमिकल को यूज़ करने का सबसे बड़ा फ़ायदा तो आपको ये होता है, ये सीमेंट की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है और साथ में जो आपकी जो काम होता है, जो आपका मकान होता है, इसकी लाइफ लाइन को भी बढ़ाने का काम करता है। तो सबसे पहले जो 101 होता है, इसे यूज़ किया जाता है, क्या इसकी कीमत होती है? तो देखिए, जो 101 केमिकल होता है, ये यूज़ करने का तरीका होता है, अगर आप एक बोरी यानी कि एक बैग सीमेंट का अगर मोर्टार बनाते हैं तो इसमें जो आपको इसे मिक्स करने की क्वांटिटी रहती है वो है 200 ml की। इसका एक लीटर का डब्बा जो मार्केट में है वो आपको 160 रुपये के आसपास मिलता है और आपको एक बैग सीमेंट में इसे 200 ml यूज़ करना होता है। आप इसे सीमेंट वेस्ट का कोई भी काम हो, आप वहाँ इसे यूज़ कर सकते हैं। अब इसी में जो दूसरा केमिकल आता है वो है डॉक्टर फिक्सिट का 301 URP। देखिए, ये केमिकल आजकल बहुत ही चलन में है और जो लीकेज सीपेज के काम हो गए, चाहे कोटिंग का काम हो गया, उसमें इस केमिकल का यूज़ किया जाता है। तो देखिए, ये जो केमिकल होता है, इसमें जो डिटेल मेंशन की गई होती है उसमें लिखा होता है कि इस केमिकल में आपको वाटर मिक्स नहीं करना है। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि अगर उनके छत में कहीं से सीलन आ रही हो या फिर पानी सीपेज हो रहा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, वहाँ इस केमिकल का यूज़ जो है कोटिंग के लिए कर सकते हैं। तो आपको बेसिकली इसमें करना कुछ नहीं होता। अगर आपके छत में सीलन की समस्या है तो आपको क्या करना है, इस केमिकल को लेना है। इसका एक लीटर का भी आपको मार्केट में डब्बा देखने को मिल जाएगा और 5 लीटर के पैकेजिंग में भी आपको मिलता है। 5 लीटर की जो कीमत है वो 1600 से 1700 रुपये के आसपास मिल जाता है। अब यूज़ करने का तरीका इसको क्या है कि ये आप केमिकल अगर 1 लीटर लेते हैं तो उसमें आपको 2 किलो के आसपास सीमेंट मिक्स करनी है और जहाँ पे आपके छत में अगर कहीं से सीड़न की समस्या, वाटर लीकेज की समस्या हो, जो माइनर प्रॉब्लम्स होते हैं, आप उन्हें वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो इस केमिकल के द्वारा जो है आप सीड़न की समस्या होती है उसे 1-2 साल तक के लिए ठीक कर सकते हैं। अगर आपके छत में ज़्यादा समस्या है, पानी टपकने की समस्या है या फिर पानी भरता, तो उस केसेस में आप इस केमिकल का उतना यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये टेम्परेरी इलाज है, ये परमानेंट इलाज नहीं है। लेकिन अब देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट केमिकल आता है वो है डॉक्टर फिक्सिट का 302 SBR। ये जो केमिकल होता है ये बहुत ही रेयर केमिकल है और ये जो केमिकल वो आपको मार्केट में आसानी से नहीं मिलता है। ये होता है 302 SBR सुपर लेटेक्स। अब देखिए, अगर आपकी छत में पानी टपकने की समस्या है और कोटिंग के लिए, मैं आपको बता दूँ, ये सबसे बेस्ट केमिकल होता है क्योंकि ये सुपर लेटेक्स होता है। लेटेक्स यानी कि ये बहुत ही गाढ़ा होता है और इसके साथ में जो सीमेंट की पकड़ होती है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। तो ये केमिकल सबसे पहली बात तो आपको मार्केट में आसानी से बिल्कुल नहीं मिलता है। अगर आप तो इसके जो 20 लीटर की बाल्टी आती है वो आपको तकरीबन जो है वो 6.5 से 7 हज़ार रुपये के आसपास मिलती है और अगर आपकी छत में पानी की टपकने की समस्या है, चाहे सीड़न की समस्या हो, चाहे आपको जो बाथरूम हो गई उसमें पानी लीकेज की समस्या, तो हर जगह आप इसे कोटिंग के लिए बिल्कुल आंख बंद करके यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें यूज़ का तरीका क्या होता है इसे समझ लीजिए। डॉक्टर फिक्सिट जो 302 SBR सुपर लेटेक्स है, उसे आपको कैसे यूज़ करना है कि ये जो केमिकल होता है बहुत ही गाढ़ा होता है, तो इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप 1 लीटर केमिकल ले रहे हैं तो इसमें आपको मिक्स करना है 3 लीटर पानी। 3 लीटर पानी मिक्स करने के साथ में आप 1 लीटर केमिकल ले लेते हैं, आपने इसमें 3 लीटर पानी मिला लिया और इसमें जो सीमेंट की मात्रा है वो आपको 4 से 5 kg यूज़ करनी है। जब आप इस प्रकार का घोल तैयार कर लेते हैं, सीमेंट सैलरी तैयार कर लेते हैं, तो आप अपनी छत पे इस केमिकल के साथ में 2 कोट यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप सीमेंट जो है वाइट सीमेंट भी ले सकते हैं और नॉर्मली ये जो सीमेंट होती है आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ACC हो गई, अल्ट्राटेक हो गई, इस सीमेंट का भी आप इस्तेमाल
कर सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक बात ये भी ध्यान रखने की, अगर आप जो है इस केमिकल के साथ में अगर वाइट सीमेंट का उपयोग करते हैं, तो इसका उपयोग जो है अगर आप कोटिंग कर रहे हैं तो आप इसका गर्मी में कीजिए, क्योंकि वाइट सीमेंट के साथ में अगर आप इस केमिकल को आप अपनी छत पे अप्लाई करते हैं तो होता क्या है कि धूप से जो आपके छत का जो टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपको गर्मी में उसमें भी राहत मिलती है। यानी कि इस केमिकल को अगर आप वाइट सीमेंट के साथ अप्लाई करेंगे तो गर्मी में आपके छत का जो टेम्परेचर है वो आपको 4 से 5 डिग्री कम देखने मिलता है। तो सबसे पहली बात तो जो SBR-302 सुपर लिटेक्स है, ये केमिकल थोड़ा सा आपको मार्केट में मुश्किल से देखने मिलेगा, लेकिन ये कोटिंग के लिए सबसे अच्छा केमिकल हो। अगर आपकी छत कहीं से टपक रही हो, पानी सीपेज हो रहा हो, उस केस में अगर आप इस केमिकल का यूज़ करके अपने छत पर जो है 2 कोट केमिकल की कोटिंग कर देते हैं, तो चाहे कैसी भी सीड़न हो, पानी का टपकना हो, इससे पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। आप